देखिए यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है, इनवाइट कोलैबोरेटर। बट काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत है कि इनवाइट कोलैबोरेटर उन्हें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से मैं जो चाहूँ उसके साथ इस जो इमेज है उसके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो इस तरह से ये खुल कर आ जाता है, यानी मैं जिसके चाहूँ उसके साथ इस इमेज को कोलैबोरेट कर सकता हूँ और एडिट भी कर सकता हूँ। अब काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत है कि आप लोगों को इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इनवाइट कोलैबोरेटर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसकी दो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कौन से है वो मैं आपको सारी समझाता हूँ। तो इसका पहला रीज़न ये होता है कि आपका अकाउंट प्राइवेट हो तो इनवाइट कोलैबोरेटर काम नहीं करेगा। इसके लिए थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और आपको यहाँ पर चेक करना है आपका अकाउंट जो है प्राइवेट है या पब्लिक है। ठीक है, अगर आपने प्राइवेट अकाउंट कर रखा है देन उस केस में आपका जो अकाउंट है वह मतलब काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप प्राइवेसी में चले जाइए और यहाँ पर अगर आपका अकाउंट प्राइवेट आपने कर रखा है देन इनवाइट कोलैबोरेटर आपके लिए श्योर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको आपका प्राइवेट मोड जो है ऑफ़ करना होगा, अगर ये ऑन है तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट भी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, फिर भी अगर आपको इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा तो क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए, यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखिए। जैसे आप इंस्टाग्राम लिखेंगे आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम आ जाएगा और आप इसे अपडेट करवा लीजिए। बस यही दो तरीके हैं। अगर आपका अपडेट भी है, अगर आपका पब्लिक प्रोफाइल भी है, फिर भी अगर आपको ऑप्शन नहीं नज़र आता है तो आपको वेट करना है। ये जो ऑप्शन है धीरे धीरे करके सभी इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाएगा, आने वाले टाइम में आप इसे आपके भी देखेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको भी ये मिल जाएगा।